नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और कल के एक स्ट्रॉन्ग गेन्स के बाद एक अच्छी क्लोजिंग भी मार्केट्स की हुई थी, लेकिन आज मार्केट सुबह से ही थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े से वॉलेटाइल है। अभी भी निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 6 अंक नीचे 8860 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो एक फ्लैट कामकाज हो रहा है, लेकिन चुनिंदा पॉकेट से जो चल रही है आज फार्मा और साथ ही साथ रियल्टी स्टॉक्स, एक अग्रेसिव और एक डिफेंसिव सेक्टर का कॉम्बिनेशन आज काम कर रहा है और इन दोनों ही सेगमेंट्स में एक अच्छी मजबूती देखी जा रही है। बैंकिंग स्टॉक्स आज लगा रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट बैंक जो कि इंडेक्स पर प्रेशर में बिल्डअप कर रहे हैं ऊपरी लेवल्स पर। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम है, सोलर एनर्जी स्टॉक्स में एक अच्छी एनर्जी आज के सेशन में देखी जा रही है। सीमेंट सेक्टर्स को देखें तो एक रीसेंट मूव के बाद कंसोलिडेशन के फेज से पूरा सीमेंट स्पेस गुजर रहा है। छोटे मझोले शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की है। कल भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई टच किए थे और आज भी बेंचमार्क इंडाइसेस के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा आधा परसेंट के गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन में कौन से स्टॉक्स जो चल रहे हैं वो अगर देखें, सबसे पहले निफ्टी 51 से ही तो भारती इंफ्राटेल, एसएल टेक्नोलॉजीज, बीएचईएल, बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो, यहां से स्ट्रेंथ दिख रही है। साथ ही कुछ छोटे स्टॉक्स जो चल रहे हैं उनमें आप देखिए, आज के सत्र में एडलैब्स एंटरटेनमेंट 16% ऊपर, भारत गैस 14% ऊपर आ चुका है, कैप्री ग्लोबल, श्रेयर शिपिंग, मोरटेक कुछ और परफॉर्मर्स रहे हैं। एक बार देख लेते हैं लॉजिस्टिक स्टॉक्स का हाल भी, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट बैठक जो कि कल शुरू हुई, जीएसटी काउंसिल मीट, कल जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हुई और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। लॉजिस्टिक स्टॉक्स एक्शन में रहते हैं जब जब जीएसटी को लेकर बातचीत होती है, वो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन स्टॉक्स पर आज भी देखा जा रहा है। लेकिन आज क्या आउटकम्स निकल कर आएंगे, जीएसटी रेट समेत कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर डिसीजन लेना है या फिर जिन पर डिस्कशन हुआ है इस बैठक में कल और आज भी होना है, और इसी पर इनफैक्ट थोड़ी सी बातचीत और भी कर लेते हैं। हमारे साथ अब एक खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर संजय डालमिया हमारे साथ हैं, एडवाइजरी हैं ये डालमिया प्राइवेट लिमिटेड के और साथ ही साथ जीएचसीएल लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। मिस्टर डालमिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म है जिसको लेकर काफी लंबे समय से बातचीत हुई है और अब फाइनली जिस तरह से पार्लियामेंट में पास हुआ एक हकीकत बनी है। अब कोशिश सरकार की है 1 अप्रैल 2017 से इसको लागू कर दे और इसीलिए जीएसटी काउंसिल का गठन भी किया गया और पहली बैठक भी हो रही है। अब कई सारे क्रूशल मुद्दे हैं जिन पर डिसीजन लिया जाना है, लेकिन आपके लिहाज से सबसे पहले किन मुद्दों पर काम करना जरूरी है अगर 1 अप्रैल 2017 से इसको लागू करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो बाकी स्टेट है और सेंटर की बीच में सहमति बननी जरूरी है जो भी, और इसीलिए वो काउंसिल का गठन हुआ है। अब वो क्या चीज़ों में सहमति होगी, एक तो रेट में सहमति होनी होगी। तीन या चार तरह के प्रोडक्ट हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि एसेंशियल गुड्स है, उसमें 2 या 3 तरह की रेंज हो सकती है। फिर एक साइड में है, द अदर साइड इज लग्जरी गुड्स, उसमें 2-3 तरह के रेट हो सकते हैं, और उस बीच में जो है जनरल गुड्स, उसमें 3-4-5 जितने भी रेट्स होंगे हो जाएंगे। तो इनमें सहमति होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटों में आज अलग अलग चीज़ों पे टैक्सेस हैं जिसमें उनकी रेवेन्यू आती है। तो अब जब एक रेवेन्यू हो जाएगी, जब एक टैक्स हो जाएगा, तो स्टेटों की ये अपेक्षा रहेगी कि उनको कोई नुकसान नहीं हो, और वो उसके लिए सरकार ने, भारत सरकार ने वो भी किया हुआ है कि भाई कोई भी नुकसान होगा तो उसको कुछ सालों तक हम उसको मीट करेंगे। तो इसलिए ये जो है 1 अप्रैल से ये होने की बात जो है बहुत अच्छी बात है, और ये पहली होनी भी चाहिए क्योंकि हमारा नया साल उस दिन से शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो उस दिन ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। एब्सोल्युटली मिस्टर डालमिया, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने डिफरेंट रेट्स के बारे में बात करी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके की रेट एक्सपेक्ट कर रही है जिससे सभी को एक विन विन सिचुएशन मिले और कहीं नुकसान ना हो। कौन सा रेट ऐसा होगा जो कम्फर्टेबल रहे, क्योंकि डेफिनेटली सरकार भी यही चाह रही है कि शुरुआत में एटलीस्ट जो रेट हो वो ज़्यादा ना हो। देखिए, जो रेट है वो एक रेट नहीं हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि एक तो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसमें कि लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह वगैरह एसेंशियल कमोडिटीज, उसका एक रेंज होना चाहिए 0 to 3, 4, 5। फिर एक है जो लग्जरी गुड्स माने जाते हैं जिसमें कि लिकर है, टोबैको है, वेरी लग्जरी गुड्स, लग्जरी कार्स, लग्जरी परफ्यूम्स, लग्जरी ज्वेलरी। अब इसका भी 3-4 तरह का या 2 या जो भी है वो रेंज बनाना पड़ेगा। उसके बाद सारी नॉर्मल बाकी चीज़ें, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, जो इसके बीच में आएंगे।
तो उस तरह की उसमें भी दो या तीन रेंज बनानी पड़ेगी. यू कैन नॉट हैव वन रेंज फॉर एवरीथिंग. जी, इनफैक्ट मिस्टर डालमिया, एक और चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे. अभी जितने भी जानकारों से हमारे बीते दो तीन दिनों में इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, एक एक वॉइस ये भी निकल कर आ रही थी कि 1 अप्रैल 2017 से इम्प्लीमेंटेशन हो ना हो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, भले ही क्योंकि जीएसटी अपने आप में इतना बड़ा रिफॉर्म है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भले ही थोड़ा सा डिले हो जाए वो कंसर्न नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की पूरी तैयारी हो जाए. आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं नहीं, ये तो बात सही है, तैयारी तो पूरी होनी पड़ेगी, पर मेरे हिसाब से 1 अप्रैल 2017 में नहीं होना, ये मेरे को समझ में नहीं आता. मेरी समझ में ये होना चाहिए. अब रिफॉर्म है तो रिफॉर्म की भी एक मर्यादा होती है ना, कब तक चलेगा? इतने महीनों से, इतने सालों से बात चल रही है. जब ये नई सरकार रही है, जब ये एक पूरे साल से कोशिश कर रहे हैं, सब स्टेटों से सहमति होनी, इंडस्ट्री के लोगों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 1 अप्रैल 2017 नॉट अ बैड टारगेट, इट मस्ट बी डन. एंड ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी यूनैनिमिटी बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर. मिस्टर डालमिया, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि यूनानिमिटी होनी चाहिए सेंटर और स्टेट्स की तरफ, और दोनों ही की तरफ से एक अप्रोच प्रॉपर होनी चाहिए, इन टैंडम होना चाहिए, जिस तरीके से अगर रेट्स की भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है या फिर इम्प्लीमेंटेशन का फैक्टर होता है, लेकिन इंडस्ट्री कितनी तैयार है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? अगर 1 अप्रैल 2017 का जो अप्रूवल है वो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है कि इस तक ये रोल आउट होता हुआ नजर आएगा, तो क्या इस पीरियड में ईजी रोल आउट पूरी ही इंडस्ट्री कर पाएगी? देखिए, शुरुआत में इंडस्ट्री में हो सकता है कि कुछ दिनों, कुछ महीनों, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो, पर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है. बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज़ वेलकम दिस, क्योंकि एक रेट होगा, नहीं तो क्या है कि बंगाल में कुछ है, केरल में कुछ है, प्रॉब्लम होती है उसमें. तो इसलिए एक रेट होना इज़ एब्सोल्युटली वेलकम फॉर द इंडस्ट्री एंड द ट्रेड. जी, लेकिन क्या इस फ्रंट पर मतलब सब स्टेट से जो सरकार का समन्वय है वो बन पाए रेट्स को लेकर, ये मुमकिन लग रहा है? क्योंकि आप देखिए, अब तक अगर कॉम्पनसेशन का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर डिस्प्यूट्स रहे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूपी उनमें से एक है, जो कि ज़्यादा कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रही है, और इस कॉम्पनसेशन फॉर्मूला क्या हो या फिर क्रॉस एम्पावरमेंट का प्रोविजन क्या हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर आज बातचीत होनी है, तो इसको रिजॉल्व करने में क्या डिफिकल्टीज आपको लगता है कि फेस करनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को? देखिए, ऐसा है, स्टेटों की ये अपेक्षा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेवेन्यू का जो टोटल कलेक्शन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले, और जो उनको मिले वो आज वो जो कलेक्ट कर रहे हैं, फर्ज करिए यूपी है, यूपी अगर 1000 करोड़ कलेक्ट करिए, मैं नहीं कह रहा 1000 करोड़ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, पर 1000 करोड़ अगर यूपी कलेक्शन करती है अपने स्टेटों का, स्टेट टैक्सेस पे, तो यूपी के इसमें जब उनको स्टेट सेंटर से जो पैसा मिलेगा उनका जो शेयर होगा वो 1000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए. ये उनकी इंटरेस्ट होगा उनके लिए, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेट इसके कारण अगर नुकसान में रहेगी तो स्टेट का बजट कैसे मीट होगा? तो उसके लिए सेंटर ने ये प्रावधान किया है कि भाई जो भी नुकसान किसी स्टेट को होता है उसको सेंटर 2-3 साल 4 साल उनको खामियाजा देगी. तो इसलिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मेरी समझ में आज ये मामला रिजॉल्व हो जाना चाहिए. एक आध कोई चीज़ रह जाएगी तो वो फिर से एक मीटिंग हो सकती है. मैंने जो समझा है कि नवंबर एंड तक अगर ये चीज़ हो जाए, या मिडल नवंबर तक अगर हो जाए, तो ये 1 अप्रैल से रोल आउट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. जी, मिस्टर डालमिया, आप बने रहिए हमारे साथ. एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर विनीत अग्रवाल हैं, सीईओ विप्रो की कंज्यूमर केयर डिवीजन के. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए. हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में, और आज जीएसटी रेट पर हो सकता है कुछ फैसला आते हुए नजर आया. 2 दिन की जो दिवसीय बैठक हो रही है जीएसटी काउंसिल की, ऑलरेडी कल ये मंजूरी मिल चुकी है कि 1 अप्रैल 2017 तक सरकार इसको लागू करना चाहती है. आपसे जीएसटी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको जीएसटी के रेट कितना रहने की? So I don't want to comment on what is a good rate for GST, but I think it will get settled, hopefully anything between 18% and 20%. जी, मिस्टर डालमिया, एक और क्वेश्चन होगा आपसे.
कोशिश तो यही है गवर्नमेंट की 1 अप्रैल से इसे लागू करने की, लेकिन और जो रेट है उस पर भी डिसीजन इस बैठक में ले लिया जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज क्या आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है इस पूरे रिजीम को लागू करने के लिए? मेरी समझ से तो तैयार है। एक चीज़ है जो कि मैं कहना चाहूँगा, जो कि बहुत लोगों को उसमें थोड़ी सी कुछ समस्या हो रही है, वो है GSTN। GSTN इज GST नेटवर्क, जिसमें कि 51% जो हिस्सेदारी है वो एक कॉरपोरेट है समझिए, उसकी 51% जो हिस्सेदारी है वो कुछ विदेशी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास है, और 49% भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। ये चीज़ बहुत लोगों को ठीक नहीं लग रही है कि इसमें विदेशी इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से हिस्सेदारी क्यों दी गई है, क्या ज़रूरत है? अगर बैंकों को या इंस्टीट्यूशंस को हिस्सेदारी देनी है तो भारतीय इंस्टीट्यूशंस को देनी चाहिए, ये विदेशी बीच में कहाँ से आ गए? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डालमिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और GST के मुद्दे पर पूरी बातचीत करने के लिए भी शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए।